मनीष सिसोदिया के बाद कल रात दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिरला रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पहुंची। राखी बिरला ने मंगोलपुरी, राजा गार्डन, आजादपुर, सदर बाजार और लाहौरी गेट में जाकर रैन बसेरों में रात गुजार रहे लोगों का हालचाल पूछा। राखी को यहां कई जगहों पर बद इंतजामी दिखी, जिस पर उन्होंने रैन बसेरा के केयरटेकर की क्लास लगाई। 230 आदमी मैडम यहाँ सोते नीचे, हाँ। गैस तो बनता है कि नहीं बनता? ऑक्सीजन फैन दोनों चालू रहता है यहाँ पे। जब आप नीचे का किराए पे दे सकते हैं, उसे खाली करा के व्यवस्था कर सकते हैं। आपने आगे लिख के दिया कि लोग ओवर हो रहे हैं, लिख के दिया। किसका फर्ज है लिख के देना कि लोग ओवर हो रहे हैं, बदबू होगी, अव्यवस्था फैलेगी, इससे ज्यादा लोग नहीं ठहरा सकते हम? लिख के दिया? कभी सोचिए अपनी जिम्मेदारी। कौन सोचेगा जब हम आके बताएंगे? जब शर्म नहीं आती इतनी बड़ी उम्र में आप लोग झूठ बोलते हैं, अपना काम ढंग से नहीं करते, मानवता है नहीं है, इंसानियत मर गई? हाँ, क्यों नहीं मैडम, आपको यहाँ सुला इतनी गंदगी में सो जाओगे? शर्म आनी चाहिए, थोड़ा अपनी जिम्मेदारी को समझो। मैं कल दोबारा फिर आऊंगी, अगर मुझे कल फिर ऐसी हालत मिली ना तो सोच लेना अपने आगे पीछे का जो भी होगा। तो राखी बिरला ने कई रैन बसेरों का जायजा लिया और दावा किया कि आने वाले कुछ दिनों में हर तरफ सफाई और सही व्यवस्था देखने को मिलेगी। राखी से बात की इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने। दिल्ली की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री राखी बिरला तमाम रैन बसेरा और जितने लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं उनसे बात कर रही हैं, जायजा ले रही हैं। रैन बसेरा आपने देखा, अभी क्या क्या खामियां दिख रही हैं जो अभी देखिए? खामियां तो बहुत ज्यादा है, जहां तक बात करें सैनिटरी की, बदबू का आलम इतना है कि आप ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे, आप भी महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, अभी जिस पिछले शेल्टर में मैं जहाँ गई थी, कहाँ का शेल्टर था अभी जब पिछले गए थे, राजा गार्डन का जो शेल्टर था वहाँ पर हम गए, वहाँ का आलम तो ये था कि डस्टबिन में दारू की बोतलें मिली, लोगों से पैसे लेके गरीब जनता से पैसे लेके वहाँ उन्हें सुलाया गया। तो बहुत अव्यवस्था है, बहुत अनियमितता बरती जा रही है। मेरा औचक निरीक्षण का सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि जनता को, जिनके लिए, जिन गरीब लोगों के लिए हमने शेल्टर बनाए हैं, उन्हें हर व्यवस्था हमें प्रोवाइड करवा सके, साफ़ सुथरी जगह प्रोवाइड करवा सके, साफ बिस्तर प्रोवाइड करवा सके, सिर्फ हमारा उद्देश्य ही। हम लोग तो राजनीति करने नहीं आए, हम लोग सेवा करने के लिए आए। हमें ना किसी के सवालों का जवाब देना, ना किसी के आरोप का जवाब देना, हमारा उद्देश्य काम करना, जो कि हम कर रहे हैं। इस समय जनता के बीच जाकर, जनता की सभी परिस्थितियों को देखकर और जनता की कठिनाइयों को समझकर इस समय राखी बिरला पूरे जितने भी रैन बसेरा हैं उन सभी के दौरे पर हैं और खास करके महिला सुरक्षा को लेकर भी बेहद संजीदगी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन दिनेश चंद के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।